सवाल नंबर एक, दस्त या डायरिया क्या है और कैसे होता है? दस्त डायरिया जिसे हिंदी में दस्त भी कहा जाता है, दस्त की बीमारी किसी को भी हो सकती है। दस्त के कारण व्यक्ति का स्वास्थ्य कमज़ोर हो जाता है। अगर समय पर दस्त को नहीं रोका गया तो हॉस्पिटल जाने की नौबत भी आ सकती है। इसलिए आमतौर पर जब भी किसी को दस्त होती है तो व्यक्ति सबसे पहले दवाई का सेवन कर दस्त पर नियंत्रण पाने की कोशिश करता है। दस्त कई कारणों से हो सकते हैं। शरीर में उपस्थित दोष वात पित्त कफ में मुख्यतः वात दोष असंतुलित हो जाता है। इससे शरीर की पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाती है। खाया हुआ खाना अच्छे से नहीं पच पाता और बिना पचा हुआ खाना मल के रास्ते बार बार निकलने लगता है। सवाल नंबर दो, दस्त या डायरिया होने के क्या कारण होते हैं? दस्त दस्त लगने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अस्वस्थ भोजन या दूषित पानी का सेवन करने से जब पाचन क्रिया में संक्रमण हो जाता है तब दस्त की समस्या हो जाती है। रात का बचा हुआ बासी खाना खाने से दस्त हो सकती है। बाहर की तेलीय चीज़ जैसे समोसा पिज़्ज़ा बर्गर आदि तथा मैदे तथा बेसन से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाने से भी दस्त हो सकती हैं। मानसिक तनाव शोक या भय होने से भी दस्त होती है। मल को ज़्यादा देर तक रोकने से दस्त होती है। ज़्यादा दूषित मदिरा का सेवन करने से भी दस्त हो सकती है। समान मात्रा से पानी ज़्यादा पीने से भी दस्त हो सकती है। बहुत ज़्यादा तेल मिर्च मसाला वाला खाना खाने से भी दस्त हो सकती है। बहुत अधिक मात्रा में मीठी चीज़ का सेवन करने से भी दस्त हो सकते हैं। दवाइयों के रिएक्शन के कारण भी डायरिया रोग होता है। सवाल नंबर तीन, दस्त न रुकने पर कौन सी बीमारी हो सकती है? दस्त दस्त न रुकने पर शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगते हैं, त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। इसके अलावा दस्त के कारण शरीर में पानी की कमी होने लगती है। इससे रोगी को बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है, गला सूखने लगता है। इससे मरीज डिहाइड्रेट बीमारी का शिकार हो जाता है। शरीर में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक तत्व असंतुलित हो जाते हैं। शरीर में कमजोरी हो जाती है, पेट में दर्द होने लगता है और यह दस्त पेचिश का रूप ले लेती है। इसके अतिरिक्त अगर ज़्यादा दिनों तक दस्त नहीं रुकती तो पेट में गैस बनने लगती है। इससे मरीज को उल्टी भी होने लगती है। दस्त रोगी या मरीज में खून की कमी होने लगती है, जिसके कारण एनीमिया भी हो सकता है। कभी कभी बार बार मल त्याग के कारण रोगी को कमजोरी होने लगती है। रोगी को चलने में परेशानी भी होने लगती है और सांसें भी फूलने लगती हैं। इसके अलावा दस्त ज़्यादा दिनों तक होने के कारण पूरे शरीर में दर्द होने लगता है, भूख नहीं लगती है, हाथ पैर में जलन होने लगती है, रोगी को कमजोरी होने लगती है। इससे बुखार होने की संभावना भी रहती है। सवाल नंबर चार, प्रेगनेंसी में दस्त लगने का क्या कारण होता है? दरअसल प्रेगनेंसी के दौरान डाइट में अचानक बदलाव करने से दस्त लग सकता है। इस बदलाव को अपनाने के लिए शरीर को पर्याप्त समय नहीं मिल पाता, जिस वजह से दस्त लग जाते हैं। हार्मोन में उतार चढ़ाव का असर भी पाचन पर पड़ता है। इससे पाचन तंत्र धीमा पड़ जाता है, जिससे कब्ज या दस्त हो जाते हैं। सवाल नंबर पाँच, दस्त को तुरंत रोकने के लिए क्या करना चाहिए? दस्त डायरिया होते ही मिर्च मसाले की चीज़ें खाना तुरंत बंद कर दें। पानी और तरल पदार्थ भरपूर मात्रा में लें। केला और सेब का मुरब्बा खाएं। छाछ या दही के साथ इसबगोल की मूसी लेने से पेट की एक दो बार में ही अच्छी सफाई हो जाती है और मल बनकर आने लगता है। चावल डायरिया में फ़ायदेमंद साबित हुआ है। इससे आंतों की हलचल ठीक होने लगती है और मल बनकर आने लगता है। अदरक का रस, नींबू और काली मिर्च का जरा सा चूर्ण पानी में मिलाकर पीने से राहत मिलती है। भूख लगने पर मूंग की खिचड़ी और साबुदाना खाएं। भोजन बंद ना करें पर पचने में हल्का भोजन ही लें। इसके अलावा फल और सब्जियों का इस्तेमाल करने से पहले उन्हें अच्छी तरह से धो लें। रेड़ी खोमचे पर कुछ खाएं तो पहले निश्चित कर लें कि वहाँ साफ़ सफाई है या नहीं। डायरिया की स्थिति में हो सके तो पानी को उबालकर ठंडा करके पिएं। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार पीने के पानी को तांबे के बर्तन में रखना बेहतर उपाय है। तांबे के बर्तन में पानी रखने से 40-45 मिनट के भीतर ही तमाम तरह के रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। भूरे चावल को उबालकर छाने और जो मार निकले उसे ठंडा करके डायरिया के मरीजों को दें। सवाल नंबर छः, छोटे बच्चे को दस्त की समस्या क्यों होती है? दरअसल छोटे बच्चे माता का दूध पीते हैं। ऐसे में जब किसी कारणवश स्तनों का दूध दूषित हो जाता है तो इससे शिशु को दस्त होने लगती है। कई बार देखा गया है कि माता स्तनपान के दौरान खुद के खानपान में बहुत अधिक परहेज नहीं करती, ज़्यादा तेल मिर्च मसाले वाला खाना खा लेती है या फिर रात का रखा बासी खाना भी खा लेती है। इससे शरीर में उपस्थित दोष वात पित्त कफ असंतुलित होकर स्तन के दूध को दूषित कर देते हैं। इससे बच्चों को दस्त हो जाती है। बच्चों के दूध की बोतल को अच्छी तरह से साफ न करने से भी बोतल संक्रमण हो जाती है, जिसके कारण भी बच्चे को दस्त होने लगता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इलाज सही तरीके और समय पर न किया जाए तो दस्त से बच्चों की मृत्यु भी हो सकती है। सवाल नंबर सात, दस्त या डायरिया होने पर क्या नहीं खाना चाहिए?
दरअसल अंगूर, कटहल, बीन्स, बथुआ, कद्दू, गन्ने का रस, सुपारी, अचार, पनीर, चटनी, दही, मक्खन, दूध से बने पदार्थ, दूध, मिठाइयाँ, मसालेदार भोजन, अधिक नमक, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, जंक फूड, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, बेकरी उत्पाद नहीं खाने चाहिए। सवाल नंबर 8, दस्त या डायरिया कितने दिनों में ठीक हो जाता है? दरअसल यह कुछ घंटों से 2 दिन तक हो सकते हैं। इसमें इलाज की कोई ज़रूरत नहीं होती। दूसरा, क्रोनिक डायरिया होता है जो हफ्तों तक परेशान कर सकता है। कभी कभी डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है। सवाल नंबर 9, पेट में इन्फेक्शन होने का क्या कारण होता है? दरअसल पेट संक्रमण को बैक्टीरियल अंतःशोथ के रूप में भी जाना जाता है। यह तब होता है जब आपका पेट जीवाणु संक्रमण से प्रभावित होता है। इससे आपके पेट और आंतों में सूजन हो जाती है। आपको उल्टी, दस्त और गंभीर पेट ऐंठन जैसे लक्षण का अनुभव होता है। इसके कुछ संकेत भी होते हैं, जैसे भूख में कमी, बुखार, अपने मल में रक्त, दस्त लगना, पेट में ऐंठन और दर्द, उल्टी और मितली आना आदि। सवाल नंबर 10, दस्त में मौत होने का क्या कारण होता है? दरअसल कभी कभी खनिज लवणों के अधिक हानि से कामा उत्पन्न होता है। इसमें कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। सवाल नंबर 11, डायरिया या दस्त कितने तरह के हो सकते हैं? दरअसल आमतौर पर डायरिया या दस्त 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला एक्यूट डायरिया है, जिसमें दस्त काफ़ी पतला होता है। यह कुछ घंटों से 2 दिन तक हो सकते हैं। इसमें इलाज की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा, क्रोनिक डायरिया होता है जो हफ्तों तक परेशान कर सकता है। कभी कभी डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। डिहाइड्रेशन के कारण हार्ट रेट बढ़ता है, सरदर्द, थकान, गला और मुँह सूखना आदि शामिल भी होते हैं। सवाल नंबर 12, आंतों में इन्फेक्शन होने का क्या कारण होता है? दरअसल कभी ज़्यादा खाने या असमय खाने से पेट में संक्रमण हो जाता है। कई बार ख़राब खाना खाने से भी यह संक्रमण हो सकता है। इसके अलावा बैक्टीरिया भी इसका एक कारण हो सकता है। इस तरह से यह पेट और आंतों में होने वाला संक्रमण है, जो उपरोक्त किसी भी कारण से हो सकता है।